हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ कैप हब आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एम यू क्रैश कोर्स का नेक्स्ट पार्ट इंग्लिश का इंग्लिश का पार्ट टू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एम यू क्रैश कोर्स हमारा एक नया प्रोग्राम है जिसमें ऑलरेडी बच्चे इनरोल हो चुके हैं और बाप पास बहुत ही कम टाइम बचा है अगर आप इनल होना चाहते हैं तो बाकी सारी जानकारी आप हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर पा सकते हैं इसमें हम आपको मिल रही हैं लाइव क्लासेस लाइव क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी सारी ली जा चुकी हैं आप उसे हमारे लाइव सेक्शन में देख सकते हैं इनके साथ ही अगर आपको लाइव से जो क्लासेस हुई हैं उनके पीडीएफ नोट्स एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए और साथ ही मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपको ये सब कुछ मिलेगा मात्र एक सौ निन्यानवे रुपये में नंबर डिस्क्रिप्शन में है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं वैसे मैं यहाँ पर भी लिखे दे रही हूँ डबल एट फाइव वन फोर सेवन फोर नाइन ज़ीरो टू इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अब चलते हैं अपनी वीडियो पर वापस हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे आइडेंटिफाइंग द एरर्स की और आइडेंटिफाइंग द एरर्स अच्छे खासे मार्क्स का आता है मतलब मिनिमम फ़ाइव मार्क्स का तो आता ही आता है मिनिमम मैक्सिमम जैसे भी उनको लगता है वह उसका अकॉर्डिंग सेट करते हैं बट अगर आप बाकी पी देखेंगे तो पाँच चार पाँच मार्क्स का आ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ एरर्स पूछा ही जाता है इसलिए मैं दोबारा आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप समझ सके बहुत ही बारीक गलती है और उसको हर कोई नहीं पकड़ पाता सबको लगता है कि नो एरर ऑप्शन हो सकता है राइट right? लेकिन हर जगह नो एरर ऑप्शन नहीं हो सकता बहुत ही बारीक गलतियाँ भी होती हैं ग्रामेटिकल एरर्स जिन्हें कहते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज़ द इंस्टीट्यूट इम ट्रेनिंग इन द फ्रेंच I repeat my sentence. The institute imparts training in the French. Options हैं इनमें से बताना है कौन सा एरर है The institute B imparts training in C the French D no error. जब तक मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ या रिपीट करती हूँ तब तो तक आप इसको खुद पढ़ के आंसर ढूँढ के निकाल के रखिए ताकि जब तक मैं आंसर बताऊँ तो आप मैच कर सकें कि आपका आंसर सही था या नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द फ्रेंच ये यहाँ पे एरर है यहाँ पे द नहीं होगा सिर्फ फ्रेंच होगा द इंस्टीट्यूट इंपार्ट्स ट्रेनिंग इन फ्रेंच क्वेश्चन नंबर टू बींग अ वेरी फास्ट वर्कर ही इज ऑलवेज लाइकिंग बाय ऑल हिज कलीग्स एंड सुपीरियर्स टू आई रिपीट द सेंटेंस बींग अ वेरी फास्ट वर्कर ही इज ऑलवेज लाइकिंग बाय ऑल हिज कलीग्स एंड सुपीरियर्स टू एरर फाइन करने के लिए ऑप्शन हैं ए बींग अ वेरी फास्ट वर्कर बी ही इज़ ऑलवेज लाइकिंग सी बाई ऑल हैज़ कलीग्स डी एंड सुपीरियर्स टू यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन नहीं है तो यानी कि इसमें एरर एरर है ही तो इसमें कौन सा एरर है ऑप्शन बी में ही इज ऑलवेज़ लाइकिंग ही इज़ ऑलवेज लाइक्ड लाइकड यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं I shall be able to complete the work in stipulated time provide you do not disturb me. I repeat the sentence: I shall be able to complete the work in stipulated time provide you do not disturb me. Option pass A, I shall be able B to complete the work in C stipulated time provide D you do not disturb him. करेक्ट आंसर इसमें बनता है यानी कि एरर जिस ऑप्शन में है वो सी स्टिपुलेटेड टाइम प्रोवाइड नहीं होगा प्रोवाइडेड होगा यहाँ पे प्रोवाइड की जगह प्रोवाइडेड यूज होगा क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं ही वॉज टू इरीटेटेड टू कंसनट्रेट ऑन हिज वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वॉज टू इरीटेटेड टू कंसनट्रेट ऑन हिज वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम आपके पास ऑप्शन हैं ए ही वॉज टू B. Irritated to C. Concentrate on his work. Or option D. No error. Correct answer is here no error. Question number 5 The environment in which companies operating today is undergoing frenetic changes. The environment in which companies operating today is undergoing frenetic changes. ऑप्शन हैं द एनवामेंट इन विच बी कंपनी इज ऑपरेटिंग सी टूडे इज अंडरगोइंग फ्रेनेटिक चेस डी नो एरर अब आपको बताना है कि इसमें एरर कौन से ऑप्शन में है तो आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी कंपनी इज ऑपरेटिंग कंपनीज आर ऑपरेटिंग विल बी दस करेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं ही हैजीन अंडरगोइंग द स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स विच

सॉरी इट्स नॉट सीट्स डी विच ईच ऑफ द एम्प्लॉयज इज़ यहाँ पे इज नहीं आएगा यहाँ पे आर आएगा ही हैज़ बीन अंडर गोइंग द स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स विच ईच ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इज वेन आई लास्ट सी हिम ही वॉज इन कैलकटा वैन आई लास्ट सी हीम ही वॉज इन कैलकटा ऑप्शन्स वेन आई बी लास्ट सी हीम सी ही वॉज डी इन कैलकाटा अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है यानी कि इसमें एरर है कौन सा ऑप्शन सही है जिस जो गलत है कैन यू सी द कॉन्ट्रास्ट ओके सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी व्हेन आई लॉस सॉ हिम यहाँ पे सी नहीं सॉ आएगा सेकंड डिग्री क्वेश्चन नंबर एट इंटरव्यूअर आज द एक्ट्रेस हाउ कुड शी मैनेज टू अटेन फेम attain fame in a short period okay i repeat the sentence again the interviewer asked the actress how could she manage to attain fame in a short period options the interviewer asked that actress b how could she C, manage to attain fame d in a short period correct answer is this option b how did she how could she how did she it? ओके क्वेश्चन नंबर नाइन विल यू बाय सम समी फॉर मी इफ़ यू गो टू द मार्केट आई एम सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ये पिछले वाले uh, वीडियो में भी था सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सो लेकिन मैं इसको दोबारा बता देती हूँ विल यू बाय सम जैगरी फॉर मी इफ़ यू गो टू द मार्केट विल यू बाय सम जैगरी फॉर मी इफ़ यू गो टू द मार्केट ऑप्शन हैं A. Will you buy some jaggery? B. For me, if you go. C. To the market. D. No error. Correct answer is no error. Question number D. I cannot make. Question number 10. I'm sorry. I cannot make from what you are saying about him. I repeat. I cannot make from what you are saying about him. Option say A. I cannot. B. Make from C. What you are saying. D. About him. करेक्ट ऑप्शन है जिसमें एरर है वो है बी मेक फ्रॉम नहीं मेक आउट मेक आउट हो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आई कैन नॉट मेक आउट फ्रॉम वॉट यू आर सेंग अबाउट हिम दैट विल बी द करेक्ट आंसर सो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारा एन यू क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ये कोर्स आपको एकदम ही सस्ते में मिल रहा है जो कि है एक सौ निन्यानवे रुपये दैट वॉज़ इट फॉर द वीडियो थैंक यू